निर्भरता और विनम्रता जिनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंश है। स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज महर्षि ने ही आसन उपाधार आगे तो उनसे अब प्रवचन सुने। जैसे दो भाग पोटासियम क्लोराइड
एक बात मैंने डाइऑक्साइड एमिशन को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनता है O2 गैस, ठीक उसी तरह से तुम दिखा दो। उसी समय में अमेरिका का ही वैज्ञानिक खड़ा हो गया मैकब्रेट, मैकब्रेट ने कहा कि ठीक है तुम कहते ईशो नहीं है तो तुम साबित कर दो, तो चुप हो गए, चुप हो गए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे वैज्ञानिक अणु की खोज किया, फिर परमाणु की खोज किया, फिर परमाणु का भी विभाजन किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, बाद में विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया। वैज्ञानिक लोग कहते हैं संसार में कोई शक्ति है, सर आइज़क न्यूटन ने एनर्जी कहा, उन्होंने कहा जब उससे एक आदमी ने कहा कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, तुम्हारे जैसा वैज्ञानिक धरती पर कोई नहीं हुआ, तो सर आइज़क न्यूटन महोदय ने कहा ओ माय गॉड आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई वांट द वर्ल्ड कलेक्टिंग द पेबल्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वो ईश्वर हो परमात्मा, मैं तुम्हारी शक्ति को नहीं जान पाया, मैं एक बालक की भांति नदी के तट पर कंकड़ और पत्थर ही चुनता रहा। तो जो ईश्वर को जानते हैं वो ये नहीं कहते ईश्वर को मैंने जाना है, जो ये कहते हैं मैंने ईश्वर को जान लिया वो ईश्वर को नहीं जानते हैं, वो ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। जब ईश्वर की सृष्टि पर हम दृष्टि करते हैं तो इस बात की परिपुष्टि हो जाती है कि सृष्टि का विकास क्रम सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ हुई है। पश्चात के पदार्थ पूर्व के पदार्थ में भरकर अपना स्थान ऊपर रखता है, जो जितना ही सूक्ष्म होता है वो अपना स्थान ऊपर रखता है, किंतु ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, सर्वाधार है, इमाननीय है, लेकिन सद्गुरु के मूलाधार को पकड़े, सद्गुरु के मूलाधार को पकड़े बिना उस सर्वाधार का पता नहीं चलेगा और सुधार भी नहीं होगा और उद्धार भी संभव नहीं होगा। परमात्मा ने अभी सुन रहे थे अगर ईश्वर की परिभाषा देना पड़े तो आप क्या कहेंगे, 14 इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता है वो ईश्वर है, जिसका प्रत्यक्षीकरण आत्मा के द्वारा होता है वो परमात्मा है। तो ऐसे जो परमात्मा ईश्वर है इसके संबंध में कठोपनिषद कहा गया है उत्तिष्ठत जागरता प्राप्ति परामि बोधता छुस्था निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तो बदती, यानी जहां पर हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, हमारे जहां पर हम ध्यान लगाते हैं आत्मबंद करते हैं अंधेरा देखते हैं, दोनों आंखों के बीच में दोनों भवनों के बीच में जहां दृष्टि की चेतन धारा स्थित करते हैं वहां क्या होता है, तो उदय के बीचों बीच सदमुख एक तक देखते रहो तो आप ही वो बिंदु झल के पट गिरा देते रहो। दृष्टि की चेतन धारा को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वह बिंदु का उदय होता है, ये बिंदु का उदय होता है, वहां प्रकाश का दर्शन होता है। ऐसे महापुरुष जो प्रकाश का दर्शन करते हैं, चंद्र सूर्य का दर्शन करते हैं, अनहद नाम को सुनते हैं, कहा गया है जब से अनहद दोहो सुनी
इनके थकित गलित पर हुआ आशा सकल भूमि जब से अर्हत घोर सुनी हमारे गुरु महाराज अर्हत सुने और सुपरिया पर नजर भी ठहरी उनकी। उन्होंने कहा समझा नहीं लता नरूना बाप कहे सुन की। हमारे गुरु महाराज ईश्वर का साक्षात्कार किया उनकी वाणी से पता चलता है। जब एक बौद्धिष्ट जगदीश काश्यप उनके बारे में सुना था बताते हैं उनसे मिलने के लिए गए थे क्या देखा एक जगह पर रोशनी जल रही है बहुत दूर वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं सब लोग ध्यान कर रहे चादर ओढ़ करके हजारों लोग बैठे हुए मन में हुआ है लोग क्या कर रहे हैं लोगों से पूछा है लोग क्या कर रहे हैं ये लोग ध्यान कर रहे हैं। जगदीश काशी बहुत ग्रंथों में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध हजारों साधकों के बीच में बैठ करके ध्यान करते थे लेकिन केवल पढ़े थे देखे नहीं थे। उन्होंने ये भी पूछा ये जो ध्यान कर रहे हैं साधक लोग इसके आचार्य कौन है तो कहा हमारा सब यही परबंदी पर है। उनके मन में हुआ कि वो क्या कर रहे हैं शिष्य लोग को ध्यान कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया इस कमरा में बैठे हुए खिड़की खुली हुई थी खिड़की से झांक करके देखते हैं मच्छरदानी लगी हुई है अब हर्षि नहीं परबंदी महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। जब उनकी ध्यान खुली उनका दर्शन करने के लिए गए बातचीत होने लगी उन्होंने कहा महाराज जी मैं बहुत गर्व पढ़ा हूं मेरा नाम जगदीश काश्यप है मैं पढ़ा था कि भगवान बुद्ध हजारों साधकों के बीच में बैठकर के ध्यान किया करते थे लेकिन ये बात मैंने केवल ग्रंथों में पढ़ा था देखा नहीं था आज मुझे ऐसा लग रहा है आज भगवान बुद्ध का ही दर्शन हो गया भगवान बुद्ध का दर्शन आज हुआ ऐसे महापुरुष जो बिंदु और नाद को पकड़ लेते हैं वो मुर्दा के शरीर में भी प्राण फूंक देते हैं ऐसे महापुरुष। एक बार बरारी घाट में सत्संग हो रहा था महासभा के पदाधिकारी ने निश्चित कर लिया कि बरारी घाट में हो रहा है महासभा के पदाधिकारी लोग ने गुरु महाराज गलती बोल दिया गुरु महाराज गंगा के किनारे ही होगा पदाधिकारी लोग निरीक्षण करते गए तो देखते हैं कि बोता चल रहा है हड्डियां बिखरी हुई है बदबू आ रही है ये जगह तो अखिल भारती के लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे गुरुदेव दूसरा जगह खोज लीजिए ये जगह ठीक नहीं रहेगा। महर्षि नहीं परमंदी महाराज ने कहा मैं तो निश्चय कर दिया है अखिल भारती इस बार यही हो रहा है अब पदाधिकारी लोग भी घबरा गए गुरु महाराज का आदेश है मर्यादा की बात है। पदाधिकारी लोग फिर गए निरीक्षण करने के लिए जब निरीक्षण करने के लिए गए देखिए संतों की दृष्टि में सृष्टि करने की क्षमता होती है इधर देखने के लिए गए उधर गंगा जी में ज्वार भाटा आया और जितने भी हड्डियां फैली हुई थी सब हड्डियां गंगा की धार में बह गई और घाट बिल्कुल साफ हो गया और वहीं पर सत्संग हो गया। जिस संप्रदाय में प्रकाश और शक्ति की साधना नहीं है मुर्दा संप्रदाय वो बिना प्रेदी का लौटा है। इस जीवन में ईश्वर को जानना चाहिए ईश्वर एक ही है ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। अजय मोहम्मद साहब कहते हैं ला इला इला लाहू मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानने नहीं है। मौलाना रूम ने कहा ईश्वर के संबंध में कहा गया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो रहमान है और पादरी के ग्रंथों में लिखा हुआ ऑलमाइटी गॉड
मनोरम रूप से एक व्यक्ति ने पूछा, हम ईश्वर की इबादत करते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन खुदा बड़ा कठोर है, वो हमारे तो देखता ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, खुदा हमारे रहीम है, वो अल्माइटी गॉड है, वो बड़ा दयालु। मनोरम रूप कहते हैं घर पूरा आज इष्ट बासद खबर अस्त गुस्ता अस्त गुस्ता कदर। कहते हैं अगर खुदा के संबंध में तुमको ये पता चले, अगर खुदा को तुम देखना चाहते हो, अगर उसकी मेहरबानी को तुम देखना चाहते हो, उसकी दया को देखना चाहते हो, तो तुम खुदा से जितना प्रेम करते हो, तुम ईश्वर से जितना प्रेम करते हो, ईश्वर अनंत खुदा तुमसे विशेष प्रेम करते हैं। ईश्वर बड़े दयालु हैं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान कहां होगा? बाहर में नहीं होगा, इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा, अपने अंदर में होगा। अपने अंदर में दृष्टियों को नादान अनुसंधान की क्रिया करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, वर्क इन प्रोडक्ट विल आई गॉन माय स्पीच विल वर्क विद यू द वेल्थ फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर प्रोडक्ट दीज आर गॉन डन सो बी केयरफुल अंडरस्टैंड अप एंड फॉलो द डिविनिटी सेल्फ रियलाइजेशन एंड डीप कॉन्शियसनेस। जीवन भर काम करो, धन जवानी और पद सदा रहने वाले नहीं। धन को या तो तुम छोड़ दोगे या धन तुम्हें छोड़ देगा, पद को तुम छोड़ दोगे या पद तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार लोगे, यदि जीवन में कुछ साधना कर लोगे, यदि जीवन में कुछ भक्ति कर लोगे, तो तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए जीवन में उस परमात्मा को जानना चाहिए, जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, जिसको जानने के बाद आवागमन मिल जाता है, वो ईश्वर को जानने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, अपने अंदर में है। संत कबीर साहब कहते हैं, अखंड साहब का नाम अब सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मंड है, संपत्ति माहि समाइया सो साहिब नहीं हो, सकल बाण में रंग रहा साहिब कहिए सो। वो परमात्मा जो समझ जाता है, समय का पता नहीं चल रहा है। स्वामी जी से अनुरोध है कि खटखटा दीजिए, बोलिए फिर से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज मैं कहा था ना।